अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि इंडस्ट्रियल थ्री फेज सॉकेट किस तरह लगाई जाती है, उसके कनेक्शन क्या होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी सॉकेट टूट गई थी एक, तो हम उसकी जगह नई सॉकेट अब लगाएंगे। तो ये हमारी थ्री फेज़ मोटर है, हमने इससे पहले ही ग्राउंड वायर बॉडी को लगाया हुआ है। तो ये देखें, ये हम नई सॉकेट इसके साथ अब लगाएंगे। तो अभी ये पुरानी सॉकेट आप देख सकते हैं कि वो टूट गई है, उसके साथ हम नई सॉकेट भी आपको दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर पांच पॉइंट होते हैं, ग्राउंड वायर, न्यूट्रल और तीन फेस। हमने सिर्फ तीन फेस इस्तेमाल किए हुए हैं क्योंकि ग्राउंड वायर पहले ही मोटर की बॉडी के साथ कनेक्ट है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पाँच फेस हैं, फेस एक, दो, तीन और न्यूट्रल चार और ग्राउंड वायर पाँच। इंडस्ट्रियल सॉकेट लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता और इसमें आप हमेशा महफूज रहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अभी तीनों फेसों की तारें इसके अंदर लगाई हैं, इन्हें टाइट नहीं किया। टाइट करने के बाद हम इसमें करंट देकर चेक करते हैं कि हमारे सॉकेट ठीक काम कर रही है कि नहीं। आप मुकम्मल देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर सिर्फ तीन तारें लगाई हैं और अब हमने इसके साथ मुकम्मल सेटिंग की है अपने स्विच की, और देख सकते हैं कि ये